हमारे साथ बात करने के लिए नारद राय जी, जो समाजवादी पार्टी गठबंधन के बलिया सदर से उम्मीदवार हैं। सर, क्या लगता है, साइकिल चलेगी या एक बार कमल फिर से खिलेगा? आप लोग तो बहुत जोर लगाए हुए हैं। साइकिल पूरे उत्तर प्रदेश में खिल रही है, कमल मुरझा रहा है, साइकिल दौड़ रही है, भाग रही है। और आप बलिया विधानसभा में घूम रहे हैं, आप स्वयं देख रहे होंगे, कहीं भाजपा का आता पता किसी बूथ पर है? समाजवादी पार्टी के साथी एकदम लाइन लगे हुए हैं, महिला पुरुष नौजवान और जोश भरा हुआ है। 2017 में तो जो रिजल्ट था बड़ा एडवर्स था। अब देखिए, 17 कहाँ, 22 कहाँ। 17 में भाजपा जहाँ थी, अब 22 में जहाँ समाजवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कहती है राष्ट्रवाद के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर एक बार फिर से जनता उनको चुनने जा रहे हैं। बिल्कुल, राष्ट्र पर कोई खतरा नहीं है। और जिस दिन राष्ट्र पर खतरा आएगा सर, उस दिन ये भाजपा वाले हाफ पॉइंट वाले नहीं दिखाई देंगे। ये समाजवादी पार्टी के नौजवान, मोदी अगर राइफल देगा तो राइफल नहीं तो लौट लेकर हम लोग बॉर्डर पर चले जाएंगे। 22 में बाइक चलता है और 22 में बिल्कुल साइकिल चलेगी। और माननीय अखिलेश यादव जी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे, फिर से मंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी है। मैं अभी जनता से आग्रह कर रहा हूं कि आप हमको 5 बजे तक इतना मतदान कर दीजिए कि भाजपा के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाए और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इस क्षेत्र में हमने देखा, अभी हमारी दयाशंकर सिंह से बात हुई तो दयाशंकर सिंह ने कहा कि नारद राय जी के परिवार के और उनके खास लोग ही वो हमारे साथ आ गए, तो इसी बात से समझ सकते हैं कि हमारे साथ है ना। हमारी बीबी बेटा हमारे साथ है ना, उसकी बेटी उसके साथ, बेटा बेटी नहीं है, बीबी उसके साथ नहीं है। परिवार तो बड़ा ही, सब परिवार ही हमारा, परिवार तो पूरा विधानसभा हमारा है। उसका परिवार, बीबी जब उसके साथ नहीं, बेटा बेटी नहीं, हमारे परिवार के बारे में क्या आप कोई बात करेगा? ठीक है, बात करनी है नारद राय जी से। समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार हैं, साफ तौर पर बड़े ही उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि इस बार बलिया सदर से वो फिर से एक बार जीत कर पहुंचेंगे और 22 में बाइसिकल तय है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, बलिया।